दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बम्पर बढ़ती ANM GNM 30,000 स्टाफ नर्स वैकेंसी। बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा पूरी डिटेल जानने के लिए। 21,500 ANM और 9,000 ग्रेड ए नर्स की बहाली हो रही है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप जल्दी से ये वीडियो पूरा देख कर जल्दी से ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी है जो नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वैकेंसी है और पोस्ट का जो नाम है ANM एंड ग्रेड ए नर्स। तो दोस्तों वैकेंसी है जो टोटल है वो ANM की 21,500 है और ग्रेड ए नर्स की 9,000 है। तो दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 30,500 है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर ANM GNM और नर्सिंग कोर्स डिप्लोमा मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 39 वर्ष है और पे स्केल 12,000 रुपये से लेके 32,000 रुपये पर मंथ है। फीस का कोई फीस नहीं है इसकी। सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट से होगा। अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन है इसका और वेबसाइट है bssc.bis.nic.in। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन अपडेट सून, जल्दी अप्लाई के लिए डेट आ जाएगी इसकी। लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे। और ग्रेड ए नर्स का ये देखिए, न्यूज़पेपर में भी ये कटिंग आया था इसका। ग्रेड ए नर्स का अब होगा स्टेट कैडर। 21,500 ANM और 9,000 ग्रेड ए नर्स की होगी बहाली। 40,000 पद ANM के कार्यरत सिर्फ 12,000, 14,000 पद ए ग्रेड के कार्यरत सिर्फ 5,000। तो दोस्तों ये कटिंग भी न्यूज़पेपर में आई थी, पूरी हम पढ़ लेते हैं। राज्य में जल्द ही 21,500 ANM और करीब 9,000 ए ग्रेड नर्स की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इनकी बहाली राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी, वही तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से डॉक्टरों की बहाली होनी है। ग्रेड ए नर्स का कैडर अब स्टेट कैडर होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के भेज दिया है। जल्दी ही इस पर बैठक होगी जिसमें नियमावली पर विचार किया जाएगा। वहीं 2 माह के भीतर 6,500 ANM की तैनाती होनी है। इसके लिए जिलों से रोस्टर क्लियर कर सूची मांगी गई है। राज्य में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ की बेहद कमी है, सरकार इस कमी को दूर करने में जुटी है। राज्य में ANM के 40,000 पद स्वीकृत हैं जिनमें से अभी 12,000 ही कार्यरत हैं। 6,500 की तैनाती हो रही है, साथ ही बच्चे पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी वैकेंसी है पटना बिहार के लिए, बिहार के लिए ये वैकेंसी है पूरी। तो जैसे ही फॉर्म आएगा हम अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों थैंक यू। तीखे रास्तों पर नहीं है पढ़ना फीका।